दोस्तों, गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं, कैसन बानी रोरा सब। और मैं ऐसा करती आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और मैंने आज की वीडियो में आप सबके बताने वाली हूँ अपने मायके के बारे में, मेरे मायके में क्या चल रहा है। दोस्तों, मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप लोग के खुद ही पता चल जाएगा क्या हो रहा है। दोस्तों, किसी ने मेरे मायके में बोल रहा है गाँव में के कि फलाने के बहन वीडियो बना रही है। दोस्तों, मेरे भैया के इसलिए नाम लिया गया है कि मेरे पापा नहीं हैं, इसीलिए मेरे भैया के नाम लिया गया है। दोस्तों, वीडियो बनाना गुनाह बात है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज जो अपनी माँ बहन को गाली देता है वो अच्छी बात है? गाली देता है, उल्टा पुल्टा गाली शब्द से इस्तेमाल करता है, माँ को घर से बाहर निकाल देता है, ये अच्छा शब्द है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैंने सुना है कितने लोग ऐसे बातों में आके और वीडियो बनाना छोड़ देते हैं। दोस्तों, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जब आगे बढ़ने की समय आती है ना, तो लोग ऐसी गंवार गंवार लोग से भेंट होता है। सोच हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, जैसे कि ये कहानी है। तो वैसे ही अगर कोई कहीं जाता है, आगे बढ़ता है, अगर कोई अच्छा जगह पहुंचने लगता है ना, तो लोग ऐसे ही करते हैं उसको गड्ढा में गिराने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग दूसरे की बातों में आके कभी गड्ढा में मत गिरिएगा। अब मैंने वीडियो बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ, तो मेरे मुँह पा के बोलो, आने वालों तो कहें बोल रहे हो, दूसरे से कहें बोल रहे हो। मेरे घर में छोटा छोटा बाबू है मायके में, भतीजा भाभी के लड़का, उससे बोला जा रहा है। तो हमसे बोले ना, मेरे मम्मी से बोले, तब ना मम्मी जवाब देगी उस बात को। अब अन छोटे छोटे बच्चा क्या देंगे जवाब, बताइए आप ही लोग। दोस्तों, अगर वो बोलता होगा ना, तो मेरे मुंह पा के इंसान होगा तो बोलेगा, अगर मैं चले भी जाऊँगी ना, तो इंसान होगा तो मेरे मुँह पर बोलेगा। ठीक है, मायके तो मैं जाना छोड़ूंगी नहीं उसकी वजह से। तो दोस्तों, पता नहीं दूसरे के बुराई करने में पता नहीं लोगों के क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, कि दूसरे के बुराई करने चले आते हैं फटते मुंह लेके। तो मम्मी मेरा समझा रही थी दोस्तों कि बेटा वीडियो पर डांस ना किया करो। क्यों नहीं करेंगे? फिर मैंने मम्मी को समझाया, मम्मी आप रहने दीजिए, बोलने वाले को बोलने दीजिए, हमको कह रहे हैं ना, तो जब अगर वो कुछ कहेगा आपके मुँह पर ना, तो हमको बात करवाइएगा, हम उसको जवाब देंगे, जवाब देने से थोड़े पीछे हटेंगे। आई ना, मेरे शब्द मेरे बारे में बोला, तो फिर सोच लीजिए, सोच लेना क्या होगा। तुम्हारे पास वीडियो अगर चला जाएगा तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, जो भी बोला है तो मेरा कितना पता है। दोस्तों, अगर आगे कदम उठा दिया ना, तो मैंने उसका फ़ोटो और उसका नंबर और उसका आप लोग के नाम भी वीडियो पर अपलोड करेंगे, सेंड करेंगे, आप लोग देखिएगा उसको। कौन होता है मेरे बारे में बोलने वाला, कह रहा है का तो कि, और उसके घर वाली भी बोल रही है, लेडीज वो लोग कैसे हैं, उसके ससुराल वाले उससे वीडियो बना रहे हैं। ये सोचो कि कितना लकी है कि उसको ऐसे ससुराल मिल गए कि जो ससुराल में इतना खुल के रह रही है और वीडियो भी बना रही है। तुम लोग तो अपने बहन बेटी के सांसद में रखते रखते जान से मार देते हो, घर से बाहर की दुनिया कभी नहीं दिखाते हो, और दूसरे में बोल रहे हो चपर चपर जो ना, दोबारा ये सब शब्द मत बोलना। ठीक है दोस्तों, लड़के के जीने के हक नहीं है, कमाने खाने का हक नहीं है, काहे हक नहीं है, काहे नहीं हक है, आदमी लोग के हक है, आदमी लोग के हक है, तो लेडीज के, मेरे घर में मुझे हक मिल रहा है, तो काहे तुम लोग हक मेरा छीनना चाहते हो, बताओ। तुम लोग आदमी के छोड़ हटाओ, काहे ये सब शब्द हमको बोला है वो। दोस्तों, इस वीडियो के इतना शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि उस दुष्ट के पास पहुंच जाए ये वीडियो, ताकि वो देखे कि तो उसको ये लगो कि हाँ मैंने ये शब्द क्यों बोला। बताइए, अपने घर में बहू बेटी को तो सांसद में रख रख के जान से मार देते हैं लोग, न बाहर की दुनिया दिखाते हैं, न कहीं घुमाते फिराते हैं, कटैया रुपया करवाते हैं, यही करवाते हैं, गाड़ी फकड़ से उसको इस्तेमाल करते हैं, दिन भर लेबर लेकर खटवाते हैं, और शाम को शराब पी के आके गाली से, गंदे गंदे गाली से इस्तेमाल करेंगे उसको, तो गाली देवे करेंगे, उसके मायके तक भी पहुंच जाते हैं। और जो भी बोला है ना, हम सच कर पहुंच जाएंगे ना, तो हम उसको जवाब दे के रहेंगे। बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पर, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, बोलने से पहले सोच नहीं रहे हैं क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, आप लोग भूल के ये गलती मत कीजिएगा, ये जो दुनिया है ना, दुनिया बहुत बेवकूफ़ इंसान है,
खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं तो दूसरों का करने में भी डाका डाल देते हैं। दोस्तों आप सब ये सब गलती भूल के भी मत कीजिएगा। ऐसे ऐसे दुष्ट लोग बहुत, जब अच्छा कदम उठाते हैं आप आगे बढ़ने के ना, तो ऐसे ऐसे दुष्ट लोग बहुत भेटाते हैं। दुष्ट लोग के बात मत सुनिए, आप लोग अपनी बातों पर रहिए। आप लोग जो कर रहे हैं अपने काम पर ध्यान दीजिए, दूसरे के बातों पर मत ध्यान दीजिए। एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए वो लोग के बात, वैसे गंवार लोग के बात खास करके। बाय बाय दोस्तों, अब अगले वीडियो में आप सबसे फिर मैं मिलूंगी। और अगर वो जवाब दे देगा तो पलक पक्का हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय।